नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन 11 और मैं हूं आपके साथ सान्या। लखनऊ में कमलेश तिवारी के घर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पहुंचे, जहां उनके पहुंचते ही समर्थकों ने जमकर उनका विरोध किया और बीजेपी मुर्दाबाद के नारे भी लगे। जी हां, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है भर के लोग लगातार बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। इस विरोध के चलते घर के दरवाजे से दिनेश शर्मा को लौटना पड़ा। बता दें, भारी सुरक्षा के बीच पुलिस प्रशासन ने लोगों के बीच से डिप्टी सीएम को निकाला। वहीं इन तमाम वारदाताओं के बाद डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि परिवार की जो मांग है उन्हें पूरा किया जाएगा, सुरक्षा मुआवजा दोनों दिया जाएगा। हालांकि अधिकारियों को जल्द हथियारों को गिरफ्तार करने का निर्देश भी दिया गया है। बख्शा नहीं जाएगा, जो भी दोषी है सख्त कार्रवाई होगी, जल्दी जल्दी पकड़ा जाए, पुलिस को निर्देश दिए। दरअसल हम आपको पूरा मामला बताते हैं कि क्या हुआ है। बीते दिनों हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की गला रेतकर हत्या कर दी गई, जिसे लेकर राजधानी में हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की हत्या के बाद विरोध का सिलसिला शुरू हो गया है। खुर्शीद बाग इलाके के लोग सड़कों पर उतर आए हैं, दुकानें बंद कराई जा रही है। आपको बता दें कि तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल पीएसी जवानों को भी तैनात किया गया है। खुद एसएसपी आईजी मौके पर मौजूद है, साथ ही पुलिस प्रशासन ने दूसरे आला अधिकारियों भी हालात पर नजरें बनाए हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का अंदेशा है कि बड़े हिंदूवादी नेता की हत्या का मामला होने के चलते विरोध की आग दूसरे इलाकों में भी पहुंच सकती है। साथ ही पुलिस के ऊपर हथियारों को जल्द गिरफ्तार करने का दबाव भी है। वही माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया है। आपको बता दें कि बीते दिनों लखनऊ के नेता कमलेश तिवारी के घर दो की संख्या में हथियारे गिफ्ट देने के बहाने आए थे। मिठाई के डब्बे में ही हथियारों ने चाकू और पिस्टल छुपा रखा था। आए हथियारों में से एक ने कमलेश तिवारी का गला रेता और दूसरे ने गोली मार दी और फिर आराम से फरार हो गए, जिसके बाद कमलेश को अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई। हिंदू महासभा के पूर्व अध्यक्ष कमलेश तिवारी ने दिसंबर 2015 में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। फिलहाल वो जमानत पर थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट की में लखनऊ बेंच ने कुछ समय पहले ही कमलेश तिवारी पर लगा राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनी यानी रासुका हटाया गया था। दरअसल यूपी कैबिनेट मिनिस्टर आजम खान ने संघ सदस्यों को अपशब्द कहा था। इस पर हिंदू महासभा के नेता कमलेश तिवारी ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी। बयान दिसंबर 2015 में दिया गया था। उस वक्त यूपी में सपा की ही सरकार थी। यूपी में माहौल बिगड़ता देख सीएम ने कमलेश तिवारी के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया था। कमलेश तिवारी के बयान पर देश के कुछ इलाकों में हिंसा भी हुई थी। इसी बयान के बाद पश्चिम बंगाल के मालदा में लाखों मुस्लिम सड़क पर उतर आए थे, कुछ के थाने फूंक दिए थे और बसें जलाई थी। बिहार के पूर्णिया में भी हिंसा हुई थी और अब जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ है उसके बाद लखनऊ में काफी तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। तो अभी फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए न्यूज़ ऑन 11 और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले। नमस्कार। न्यूज़ ऑन 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।